हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्त, और यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये फिटिंग वाली पैंट है, ठीक है, कोई लूजिंग वाली पैंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहां क्या करना होगा, यहां पर लगाएंगे एक निशान इस तरीके से और एक निशान लगाएंगे यहां पर। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी लंबाई को। तो लंबाई हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच रखेंगे निशान के ऊपर। और इस पैंट की जो लंबाई, हम सबसे पहले आपको आपको इस पैंट का मेजरमेंट बता देते हैं पहले, ठीक है। इसकी लंबाई है 33.5 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 34 इंच, थाई है 21.5 इंच और मोरी है 12 इंच, ठीक है। यहाँ पर घुटने का नाप मैं नहीं लेता हूँ, मैं ऐसी ही कटिंग करता हूँ, ठीक है। और कोई फिटिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 इंच ऊपर निकालने के बाद में यहाँ पर नीचे लगाऊंगा निशान। लंबाई है 33.5, तो यहाँ पर 33.5 पर निशान लगा देंगे और 2.5 इंच पर लगा देंगे इसके नीचे, जो मोरी में तुरपाई के लिए फोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करें हम इसकी लटक की, यानी आसन की, ठीक है। तो ये आसन लेते हैं हिप का चौथाई। तो दोस्तों, हमारी जो यहाँ पर हिप है ना, वो है 34 इंच। तो दोस्तों, यहाँ पर 34 का चौथाई हो गया 8.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ 8.5 पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद में इस निशान को कर लेते हैं सीधा इस तरीके से। सीधा करने के बाद हम एक निशान लगाएंगे नीचे लंबाई वाला, उसके बाद अब बात करें हम यहां पर हम कमर की। तो दोस्तों, कमर है 30 इंच, तो हम यहां पर 30 इंच लिख देंगे। अब दोस्तों, हम यहां पर रखेंगे थाई, ठीक है। तो थाई है हमारी 21.5 इंच, तो 21.5 हम, ये 21.5 है, तो 21.5 का हम कर लेंगे हाफ। तो दोस्तों, यहां पर 21.5 का हाफ होता है 11.25 इंच, ठीक है। तो 11.25 इंच पर हम यहाँ एक निशान लगा देंगे, 1.5 इंच लगाएंगे हम फलाई का निशान, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो पॉकेट की जो लंबाई रखना है, वो रखना है 7.25 इंच पे निशान लगा देंगे। और वैसे जो फिक्स मुंह रहेगा वो रहेगा 6 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम चौड़ाई रखेंगे तो वो रखेंगे 2.5 इंच की, और यहाँ पर भी एक निशान लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। टांकी जो हम बांधेंगे, हमें 7.25 इंच मुंह नहीं रखना है पॉकेट का, जो हम टांकी बांधेंगे ना, ये वाली बीच वाली टांकी, ये हम 6 इंच पे बांधेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये हम शेप फंटी लेंगे और शेप फंटी से हल्का सा राउंड देंगे ऊपर की साइड में इस तरीके से, ये देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, हल्का सा है, करीब 1 सेंटीमीटर से कम है। उसके बाद यहां से लगाएंगे हम सिलाई मार्जिन का एक निशान 0.5 इंच का। उसके बाद में 30 इंच है हमारी कमर, तो 30 का चौथाई ले लेंगे, तो हो गया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा देते हैं, 0.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन का, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेंगे सीधा और यहां से दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद अब बात करें हम फलाई की दूरी की, कि फलाई हमें कहां से लगाना है। काफी लोगों की कमेंट्स आती हैं कि हम सर फलाई कहां से लगाएं। तो आपको यहाँ नीचे वाले निशान से ऊपर वाले निशान पे 2.5 इंच पे कटिंग कर देना है, कोई भी साइज पैंट पे, ठीक है। कोई भी साइज हो आपका, अगर ज्यादा ही हैवी साइज है, 44-40 कमर है, तो आप 2.5 से यहाँ 3 इंच पे निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब है हमारा ये सामना, इस सामने को हम जब डाउन करेंगे, तो यहाँ पर 30 इंच कमर है, छोटा साइज है, तो हमें यहाँ सामने को डाउन करना है 0.5 इंच। अगर आपका यहाँ पर साइज है हैवी है 40, तो आप यहाँ पर 0.25 इंच तक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक निशान, और निशान लगाने के बाद में जो हमने यहाँ पर थाई रखी है 21.5 इंच, ये यहाँ पर 21.5 का हाफ रखा है 11.5 इंच, ठीक है। तो हम 11.5 का हाफ का निशान एक लगा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है 5.5 से 1 सूत कम, ये वाला निशान, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये निशान हमें यहाँ नीचे लगाना है सेम। तो हमें 21.5 हमारे यहाँ पर थाई है, तो हमें नीचे मोरी पे भी 21.5 का हाफ कर लेना है, होता है 11.5 इंच। 11.5 का हाफ होता है 5.5 से 1 सूत कम। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बॉटम यानी मोरी है वो है 12 इंच, तो 12 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो होता है 6 इंच, ठीक है। और 6 इंच का हाफ कर लेंगे तो होता है 3 इंच। तो 3 इंच इस निशान से हम इधर को लगाएंगे और 3 इंच इधर को लगाएंगे, तो हो गया 6 इंच, ठीक है, क्योंकि इसकी मोरी है 12 इंच।
ऐसे अगर आप निशान लगाएंगे तो ना तो आपका पल्ला कभी ये ऊपर कोचकेगा प्रेस करते टाइम, और ना आपकी मोरी इधर उधर को भागेगी, बिल्कुल बीच सेंटर में ये आपकी मोरी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो कि सेंटर का निशान लगाया यानी क्रीज वाला निशान, तो इस क्रीज वाले निशान को हमें क्या करना होगा, इस तरीके से आप रखेंगे इंची टेप, ये देख लीजिए नीचे और ऊपर का निशान मिलाने के बाद में एक निशान लगाएंगे यहाँ बीच में, ये हमारा पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमने लगा दिया है, एक निशान लगाएंगे ऊपर, और हम यहाँ पर एक अपनी कोई बड़ी फंटी हो या आप इस गुनिया फंटी से भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रीज का निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद अब बात करें हम इसकी ढाल की, तो आपको लेना होगी ये शेप फंटी। ठीक है, इस शेप फंटी को आपको ऊपर से मिला के रखना है फिटिंग वाली पैंट में। ठीक है, मैं लूज पैंट की बात नहीं करता, अगर आपको लूज पैंट की कटिंग चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं प्लेटो वाली पैंट की, तो मैं उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर मैं इस तरीके से यहां पर एक निशान लगा दूंगा, हल्का सा यहां देना है क्रास, फिर इसी तरीके से हमें इस स्केल को पलट लेना है और यहां पर भी निशान लगा देना है इस तरीके से, यहां पर भी आपको हल्का सा किराज देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमारे निशान हो चुके हैं कंप्लीट, अब इसको हम करेंगे कटिंग। यहाँ पर लगा देंगे लंबाई का निशान है, हल्का सा कट लगाएंगे, ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है आपको, हल्का सा यहाँ कट लगा देंगे, और जो हमारा ये फलाई का निशान है ना, जैसे फलाई लगेगी यहाँ पर भी कट लगाएंगे और यहाँ पर पॉकेट के चौड़ाई पे भी कट लगा देंगे, और आधा इंच जो हमारा फोल्ड होगी ना पॉकेट, यहाँ से मार्जिन जाएगा उतना हमें पॉकेट का भी कट लगा देना है। वैसे ये काम कारीगर के हैं, कारीगर लगा लेता है, मगर मेरी आदत है मैं कटिंग के संग संग लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सामना कटिंग कर लिया है, हमारा है ये कपड़ा, इसमें हमें निकालना है बैग। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे, घुमाने के बाद में आपको इसकी सेटिंग सही तरीके से कर लेना है कपड़े की, कोई आगे पीछे ना रहे, अच्छी करके बिछा लेना है, मगर आप उसके बाद में यहाँ पर इसको बिछा दें सामने को। आपको यहाँ थाई में थोड़ा मार्जिन भी लेना है, जो कल को अगर किसी कभी मानो पैंट टाइट हो जाती है तो कस्टमर हमारा लूज करा सके, तो उसके लिए हमें इस सामने से यहाँ तक 4 से 4.5 इंच कपड़ा को रख के सामने को बिछाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है बस 4.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है यहाँ से। ठीक है, जब हम अपना अपनी बैक का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर 1.5-2 इंच बच जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर हमने अपने सामने को बिछा लिया है, बिछाने के बाद में अब हम सबसे पहले लगाते हैं नीचे एक निशान, लंबाई का हमने निशान लगाया, उसके बाद आसन का निशान लगाएंगे, उसके बाद हमें अपने सामने से जो बैग को ऊपर उठाना है वो उठाना है 1/4 इंच। ठीक है, तो 1/4 इंच का एक निशान लगा देंगे और इस निशान को कर देंगे पूरा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लगाना है, सिलाई मार्जिन जो हमारा जाता है जोड़ाई में, और कमर है हमारी 30 इंच, तो आपको जैसे हमने सामना रखा था ना 4 भाग में वैसे आपको बैग रखना है, तो 30 इंच का हाफ होता है, चौथाई होता है दोस्तों 7.5 इंच, 1 इंच की लेंगे हम पीछे प्लेट बैग में जो बैग पल्ले में पड़ती है, और हमें यहाँ पर जो छोटा साइज है वैसे हम 2.5 इंच रखते हैं अपनी सीट की जोड़ाई के लिए, यहाँ पर हमें रखना है 2.25 इंच, आप 2.5 भी रख सकते हैं। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर हिप की, तो आप यहाँ पर लगाएंगे सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच का निशान, और यहाँ पर जो हिप है वो है हमारी 34 इंच। ठीक है, तो हम 34 का चौथाई कर लेते हैं, तो दोस्तों होता है 8.5 इंच, तो ये हमारा सामने 8.5 इंच है, 1/2 इंच लगाएंगे हम, लूजिंग देंगे 1/2 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक निशान को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद आपको यहाँ फिटिंग, जो फिटिंग वाली पैंट में जो लूजिंग देना है वो देना है यहाँ पर 1/2 इंच, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच का एक निशान लगाना होगा, जो हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है ये हमें छोड़ना है, जिससे कस्टमर की कभी अगर पैंट अपनी लूज कराना चाहे थाई में तो वो करा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करें हम मोरी की, तो हमें सामने से जो बैग में लूजिंग जो छोड़ना है ना वो छोड़ना है 1/2 इंच की, हर पैंट में, चाहे वो 20 इंच लंबाई की पैंट क्यों ना हो या 40 इंच 41 42 इंच पैंट की लंबाई क्यों ना हो, आपको यहाँ पर 1/4 इंच ही छोड़ना है। ठीक है,
और यहाँ पर जो थाई में छोड़ना है, मैं वो 2.25 इंची ही छोड़ना है, या छोटी पैंट हो या बड़ी पैंट हो, इस चीज को आप सोच लें कि ये हमारा नाप एक ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस स्केल से जैसे हमने सामने में निशान लगाया था वैसे ही हमें यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर लेंगे हल्का सा क्रास, उसके बाद में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, ठीक है, ये हमारा लूज टाइट करने के काम आता है, मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर ले लेना है हमें गोलाई। गोलाई लेने के बाद दोस्तों अब बात करें हमें कटिंग कहाँ से करना है। कटिंग करना है हमें यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाया था, और इस तरीके से आप निशान लगा लें पहले, उसके बाद कटिंग करें, ठीक है। यहाँ से हमें कटिंग करना है, तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं कटिंग। ये हमारा कटिंग हो चुका है, यहाँ पर लगाएंगे कट, और हमें बैक साइड में कट लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।